गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेश, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। सो गाइस, एज एक्सपेक्टेड था, CWL का हमारा वीक चल रहा है। सेकेंड वार जो लास्ट में मैंने अटैक किया था, सेकेंड वार हम एज एक्सपेक्टेड हार चुके हैं। अब बारी है थर्ड वार की। ये भी एक लेवल 7 क्लैन है, हम देखते हैं इसके अगेंस्ट हम विक्ट्री कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर आप देखिए मेरे सामने TH11 बेस, तो मैं अटैक करने जा रहा हूँ 7th नंबर के बेस पर। जी हाँ, 7th बेस पर जो एक TH11 बेस है, एक रिस्क फैक्टर अटैक कर रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं रिस्क ले बाद क्या होता है हमारा अटैक का। मैं यूज़ करने वाला हूँ पैकाबोबेट आर्मी, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसका इन्फर्नोस लेवल 3 के, बार्बेरियन किंग और आर्चर किंग दोनों 25। तो गाइस, एक टाउन हॉल 11 बेस है, चलिए देखते हैं हम इस पर 3 स्टार कर पाएंगे या नहीं। लेट्स गो फॉर आवर अटैक गाइस। देखिए सेंटर में एकदम क्लैन कासल, उसका हम यूज करने वाले हैं पैकाबोबेट आर्मी। सो हमें पहले एयर स्वीपर की पोजिशन का ध्यान रखना है बैट स्पेल डालने के लिए, तो हम एयर स्वीपर के पीछे से अटैक करेंगे। लेट्स गो फॉर द अटैक लाइव। स्ट्रेटजी का वीडियो तो मैं डाल चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। चलिए पहले हम चालू कर देंगे हमारा क्वीन वॉक, फिर कॉर्नर पे डाल दिया बेबी ड्रैगन और दूसरी साइड पे बार्बेरियन किंग फनल क्रिएट करने के लिए, और फिर उसके पीछे डाल देंगे लॉक लॉन्चर। वॉल्स टूट चुकी है यहाँ पर, और जैसे ही फनल हो गया क्रिएट, डाल देंगे सारे पैकास एंड बोलर्स। सो गाइस, फनल हो चुका है क्रिएट, चलिए डाल देते पैकास। और ये देखिए सीसी में से निकला इलेक्ट्रो और बलून, सो फ्रीज एंड पॉइजन यूज कर लिया है। और ये हमारा लॉक लॉन्चर टूट चुका है, उसमें से निकला है पैका और जायंट। इलेक्ट्रो हो चुका है डाउन। सो अब हम चालू कर देंगे हमारे बैट्स, विजर टावर को रखना है फ्रीज, विजर टावर डिस्ट्रॉयड, इन्फर्नो डिस्ट्रॉयड, लेट्स गो फॉर अनदर विजर टावर। तो गाइस, ये TH11 बेस है, तो हमारे बैट्स नहीं बच पाएंगे इसके खिलाफ, लेकिन अब भी हमारे मैक्सिमम पैकेज जो है वो लाइव है। चलिए देखते हम 3 स्टार कर पाएंगे या नहीं। पैकास और बॉलर्स का झुंड एक बाहर है, सेंटर में आप देख सकते हैं सीसी वाला पैका जायंट है और एक 2 पैकास हमारे है। कम ऑन, क्या हम अटैक 3 स्टार कर पाएंगे, लेट्स सी। एक पैका डेड हो चुका है, मैक्स लेवल का पैका एक बचा हुआ है, और बाहर है हमारे 2 पैकास एंड बॉलर्स। कम ऑन, यू कैन डू इट, 3 स्टार, लेट्स गो। यहाँ पर बॉम्ब टावर बहुत जायंट बॉम्ब सारे बॉलर्स ले गया। चलिए फिर भी हमारे बहुत सारे पैकास बचे हुए, पैकास पे हमें पूरा भरोसा है, पैकास अटैक कर जाएंगे 3 स्टार। कम ऑन पैकास, गो हो। कैनन डिस्ट्रॉयड, ये पैका कर जाएगा। आर्चर टावर, 2 आर्चर टावर और 1 बॉम्ब टावर बचा है। टाइम जा रहा है, 30 सेकेंड्स, कम ऑन पैका। आर्चर टावर डाउन, लास्ट बॉम्ब टावर डाउन, पैका बच गया है। कम ऑन, टाइम फेल। सो गाइस, मुझे लगता है ये अटैक टाइम फेल हो जाएगा 98% पर। सो इस बार हमें सिर्फ 2 स्टार मिल पाएंगे, टाइम फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ये वॉर जीतने का पूरा फिनिश करेंगे। जो आप बचे हुए प्लेयर्स हैं वो अटैक करेंगे अभी तो, और मुझे लगता है ये क्लैन इनएक्टिव लग रहा है क्योंकि इसमें स्टार्स कम है।
इससे आप अंदाजा भी लग सके कि क्लैन एक्टिव है या इनएक्टिव। जैसे वो नंबर वन का क्लैन था उसे तो आप देख के ही बोल सकते हैं कि वो एक्टिव है, और जो जिससे हमारी फर्स्ट बैटल हुई थी उनके सिर्फ दो ही अटैक्स हुए थे तो वो इनएक्टिव क्लैन है। सो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि आपका सामने वाला क्लैन एक्टिव है या इनएक्टिव, इस तरह से कि जो हमारा फर्स्ट क्लैन जिसके सामने बैटल थी उसके दो ही अटैक्स हुए थे वो इनएक्टिव है, तो सेकेंड क्लैन था वो टॉप पे चल रहा था तो वो एक एक्टिव क्लैन है। तो आप उस तरह से भी अटैक चूज कर सकते हैं जिससे अटैक फेल हो तो भी टेंशन नहीं, पर हमें हमेशा 3 स्टार करने की ट्राई करते रहना है। तो गाइस स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे बैटल डे 4 में, तब तक देखते हैं दूसरे लोग के अटैक्स क्या करते थे, क्या हम ये बैटल जीत पाएंगे। सो गाइस स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय।